सुख सागर पांचवा स्कंद 19वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी द्वारा शेष खंडों का वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा इस अध्याय को लगभग 20 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, किंभ पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्रों द्वारा उनकी पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने एवं कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु ही आपने अवतार नहीं लिया था। आप चाहते स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वह आपने संसारी प्राणियों को यह दिखलाया था कि जब मेरे जैसे परम ब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थाश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ, तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी स्त्री पुत्र आदि यानी कि गृहस्थाश्रम से अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भरत खंड में यह सोचकर श्रीनर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड में मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्री वन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहां देवर्षि नारद जी सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही हैं। सातों दीपों में भरत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि यानी कि भरत खंड में किया हुआ अधर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो आठ खंड हैं वहां सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहाँ सदैव वसंत ऋतु एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव रहता है। दुखों का तो वहाँ नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते हुए भी भरत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भरत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भजन एवं ध्यान करने से ही इस अपार भवसागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में यह बात नहीं पाई जा सकती है। आपने प्राणियों पर बहुत ही कृपा करके इस खंड में अवतार लिया है, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट आलस्य व अहंकार में लिप्त रहेंगे। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने पुष्पक विमानों में विराज कर मंदराचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भरत खंड के निवासियों को देखकर अपने को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि हम लोग को ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो हम इस पद की प्राप्ति कर सकें। अतः हे राजन, जिसने भरत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जीवन सांसारिक मोह माया में बिता दिया और भगवत स्मरण न किया, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए देवता लोग यह कहते हैं कि भरत खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन कौन सा पुण्य किया है जिसके फल स्वरूप इन्होंने यहाँ जन्म पाया है। वहाँ भगवान का भजन एवं स्मरण मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर पांचवें स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके यथासंभव
शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें।